हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। हे अवधेश, अत्यंत पुनीत संजोग बन रहा है। समाचार मिला है चारों दिशाओं से आर्यावर्त की महान पावन विभूतियां, ऋषि मुनि, तपस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण, महात्मन आपका अभिनंदन करने एक साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। उनके स्वागत का आयोजन करना होगा। अहो भाग्य, अयोध्या अब एक पावन तीर्थ बन जाएगी। उन महामनस्वियों का आशीर्वाद रघुवंशियों के लिए एक वरदान बन जाएगा। प्रायरी, आर्य सुमंत्र को सूचना भेजो कि ऋषि मुनियों के आवास की उचित व्यवस्था की जाए। राजमहल के पूजा कक्ष में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाए, जिससे सब लोग उन महाधर्माचार्यों के प्रवचनों से लाभ उठा सके। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, सब एक साथ आ रहे हैं, ऐसा संयोग कैसे बन गया? राजन, यह अकस्मात नहीं है, उनके आने का विशेष प्रयोजन है। शास्त्रों के अनुसार प्राणी का प्रथम संस्कार माता की गर्भ में ही होता है। अतः उन सबका वास्तविक अभिप्राय यह है कि देवी सीता की भावी संतान पर धर्म के संस्कार अभी से ही डाले जाए। अतः देवी सीता का उस धर्म सभा में उपस्थित होना उचित ही रहेगा। आनंद, आनंद, वाह, कैसा पावन संयोग है। आर्यावर्त के समस्त महान ऋषियों का एक साथ समागम धन्य है, धन्य है। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा, आध्यात्म ज्ञानी आत्मज्ञानी धर्मवंतों की सभा। तेजस्वियों ओजस्वियों रवि सम ज्वलंतों की सभा, श्री राम के दरबार बैठी दिग दिगंतों की सभा। लौकिक अलौकिक पारलौकिक साधु संतों की सभा।